नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुकमणि प्रकाशन से किताब द प्लेटफॉर्म को पढ़ा रहा हूँ। और ये आपका बीपीएससी एवं बिहार दरोगा के लिए विशेषांक है और ये आपका करंट अफेयर्स 3 दिसंबर 2021 तक का अपडेट किया गया है। तो इसमें जो भी अभी जो 600 क्वेश्चन दिए गए हैं, 600 एमसीक्यू, उसको हम लोग हर सेट बाय सेट लगा रहे हैं। तो आज का हम लोग सेट नंबर 2 को लगाएंगे। तो और इस किताब में और भी चीज़ है, जैसे 2100+ वन लाइनर है और कुछ विशेष आकर्षण भी है। तो हम लोग अभी फिलहाल जो देख रहे हैं वो है आपका 600 एमसीक्यू और आज हम लोग सेट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 को। तो देखिए आपका सेट नंबर 2 आ गया है। तो सेट नंबर 2 में सबसे पहले ऊपर में दिया गया है आपका करंट अफेयर्स। तो रेलवे ने किया भारत गौरव ट्रेन चलाने का ऐलान। तो रेलवे ने किया है भारत गौरव ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। और भारत गौरव ट्रेन का ऐलान, इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट उसको पढ़ते हैं। तो भारतीय रेल ने यात्री और माल ढुलाई खंड के बाद रेलवे पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। और भारत गौरव ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और यह ट्रेन भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी। और भारत गौरव ट्रेन का संचालन निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों द्वारा किया जा सकता है, जबकि किराया टूर ऑपरेटर द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भारत गौरव ट्रेन का जो है मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट। चलिए अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, सेट नंबर 2 का। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 94 ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है। तो 94 ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है। ऑप्शन ए शेरनी, ऑप्शन बी मर्दानी, ऑप्शन सी कुंजंगल, ऑप्शन डी मंडेला। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुंजंगल। ठीक है, तो 94 ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए कुजंगल फिल्म को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है। ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन नंबर सी 79, ऑप्शन नंबर डी 75। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 का सी 79। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 79। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर ए 2050, ऑप्शन नंबर बी 2030, ऑप्शन नंबर सी 2025, ऑप्शन नंबर डी 2024। तो तीसरा का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। ठीक है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने 2030 वर्ष तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 का ही, नई दिल्ली। ठीक है, तो नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली शहर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो 5वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जेम्स पैटिंसन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटेन की महारानी को हटाकर किस देश ने अपना पहला गणतांत्रिक राष्ट्रपति चुना है। ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी जमैका, ऑप्शन सी बारबाडोस, ऑप्शन डी युगांडा। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बराबाडोस ने किया है। ठीक है, तो ब्रिटेन की महारानी को हटाकर
बाराबाडोस देश ने अपना पहला गणतांत्रिक राष्ट्रपति चुना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए कार्लोस सौरा, ऑप्शन बी स्टेवान साजोवा, ऑप्शन सी मार्टिन स्कोसिस, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से स्टेवान साजोवा और मार्टिन स्कोर्सिस को सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। तो प्रथम हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है आपका 2021 का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद ने, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर ने, ऑप्शन सी किरण रिजिजू ने, ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी क्रिस गेल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी महिला जगर्दने। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स के लेखक है, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स के लेखक है। ऑप्शन ए प्रियंका रविंद्रन, ऑप्शन बी सुनैना कुमार, ऑप्शन सी सुभाष श्रीनिवासन, ऑप्शन डी पुनः घांगली। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष श्रीनिवासन, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स के लेखक है सुभाष श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्री धनवंतरी जेनरिक चिकित्सालय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो श्री धनवंतरी जेनेरिक चिकित्सालय योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक दिन एक फोकस किस दिवस की थीम है? ऑप्शन ए विश्व पोलियो दिवस, ऑप्शन बी विश्व मधुमेह दिवस, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, ऑप्शन डी विश्व छात्र दिवस। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विश्व पोलियो दिवस। तो एक दिन एक फोकस विश्व पोलियो दिवस का थीम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीएम नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक किन दो देशों की यात्रा पर गए? ऑप्शन ए इटली अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस स्पेन, ऑप्शन डी इटली ब्रिटेन। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इटली ब्रिटेन। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक जो है दो देशों की यात्रा पर गए, उसका नाम है इटली और ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 14 है, महिला सुरक्षा हेतु 7-7 और भी पास नामक पहल की शुरुआत किस शहर की पुलिस ने किया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी रायपुर। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। तो महिला सुरक्षा हेतु 7-7 और भी पास नामक पहल की शुरुआत हैदराबाद पुलिस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ICRA रेटिंग एजेंसी के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए अनुज बंसल, ऑप्शन बी बिजाज अमृतराज, ऑप्शन सी रामनाथ कृष्णन, ऑप्शन डी सोमदेव बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कृष्णन। तो ICRA रेटिंग एजेंसी के नए प्रबंध निदेशक और CEO रामनाथ कृष्णन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए माई ट्रूथ, ऑप्शन बी ट्रंप ट्रूथ, ऑप्शन सी ट्रंप सोशल, ऑप्शन डी ट्रूथ सोशल। तो
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 16 का डी, ट्रूथ सोशल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किस जो है ट्रूथ सोशल नाम से खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वाड देशों की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन। तो क्वाड देशों की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता का आयोजन वाशिंगटन देश में किया गया है, और या वाशिंगटन शहर में किया गया है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण पूरा होने पर किस मंत्रालय ने 100 स्मारकों पर तिरंगा लहराया? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, खबरों में रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लाहौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेरिस में है। तो FATF का मुख्यालय हेडक्वार्टर पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन ए देखभाल के साथ संभालें एंटी माइक्रोबायलस को संरक्षित करने के लिए यूनाइटेड, ऑप्शन बी है स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है परिवर्तन प्रतीक्षा नहीं कर सकता एंटीबायोटिक्स के साथ हमारा समय समाप्त हो रहा है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक्स लेने से पहले एक योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से सलाह लें। तो 20 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। तो विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। इस प्रकार हमारा सेट नंबर 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बच्चों से मेरी विनती है कृपया चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और जिस क्वेश्चन में आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन को सुधार करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।